हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि ये हमसे अच्छे काम भी करवाता है। इसे ठीक से समझिए। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। यानी कि जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे विकारों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। लेकिन वहीं पर जब आप दया, प्रेम और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन ही आपसे अच्छे काम करवाता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यही समस्या है। तथागत बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ था क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यही है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। आइए इसे एक बुद्धिस्ट कहानी से समझते हैं, और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं, और अपने मन को कंट्रोल करने से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस कहानी के बाद जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर समझिएगा। ये कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यही थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी को दिखाता है तो सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो उसकी कलाकारी को देखकर हंसे नहीं। बड़े बड़े राजा, महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हमेशा हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के राजदरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वह इस बार असफल ना हो जाए। जैसे ही वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने शुरू करता है तो वही होता है जैसे कि हर बार होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। राजदरबार का वह राजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर इतना प्रसन्न हो जाते हैं जैसे कि इससे पहले वह कभी हंसा नहीं हो। इसके बाद राजा उस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में जीवन के लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहते हैं कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, इससे पहले आज तक मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ था। राजा की ये बातें सुनकर सभा के सभी लोग पूरी तरह से शांत हो चुके थे। वह कलाकार आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि क्षमा करें राजन, पर मैं जो मांगूंगा शायद आप वह नहीं दे पाए। उनकी बातों को सुनकर राजा क्रोध करते हुए अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। मेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात एक तीर की तरह होती है। क्या तुम्हें अभी भी मेरे द्वारा कही गई बातों पर संदेह है? यहाँ पर राजा अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं, और जहां भी हमारा अहंकार बीच में आता है वहां काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहते हैं कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करे, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे। फिर उसके बाद राजा उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम अपने हद में रह कर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहते हैं तो ठीक है, आप मुझे पूरे एक दिन रात के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की ये बातें सुनकर राजा मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, इसलिए इन्होंने एक ही दिन के लिए मांगा, नहीं तो ये पूरे जीवन भर के लिए राज्य मांग लेता और ये हमेशा के लिए राजा बनता। फिर राजा मन में और सोचते हैं, वैसे तो एक दिन रात कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहते हैं कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राज्य का राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के एक घंटे के अंदर ही वह कलाकार जो कि अब राजा बन चुका था वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और थोड़ी देर के बाद दूसरे घंटे में ही वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं है बल्कि वह आप है, और वह कलाकार आपका मन है। यहाँ ठीक से समझिए, जब आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे ही हो लेते हो और वही करते हो जो आपका मन कहता है, और उसके बाद में आपके हाथ में केवल और केवल पछतावा ही लग जाता है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, लेकिन इस मजे में डूब कर रह जाना, अपने आपा खो देना, अपने आप को भूल जाना, अपनी बुद्धि और विवेक को खो देना, ये समस्या है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा, मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यही है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उसी खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। मतलब किसी को कुछ बोल देना या किसी को वादा कर देना
जिस प्रकार राजा ने खुशी में आकर उस कलाकार को वादा कर दिया और इसका परिणाम उन्हें अंतिम में भुगतना पड़ा, ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना भी समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। जैसे कि दुख में ज्यादातर समय हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये निर्णय हमने दुख में लिया। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, जब ये दोनों चीज आपके जीवन में अति हो जाए, तो उस वक्त कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब यहाँ पर आप इस बात का अर्थ ये निकाल सकते हैं कि क्या हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि आपका यह निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, आप वहीं रहते हैं, आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब आप एक मध्य बिंदु पर हैं। और बुद्ध भी तो यही बात बताते हैं कि सुख में ना ज्यादा खुशी होना है और दुख में ना ज्यादा दुखी, हमें एक मध्य बिंदु पर रहना है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। एक उदाहरण से समझिए, आपको ये पता है कि चुगली करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आप लोगों की चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में तो मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको यही पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और ये बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा मन क्या है या कैसे काम करता है। जो लोग जानते हैं कि हमारा मन क्या है या कैसे कार्य करता है, उसके लिए अपने मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं कि आखिर हमारा मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सिर्फ बुद्धि के नाम से जानते हैं, यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है तो हमारा चेतन मन उसकी परीक्षा लेता है, उसे परखता है। यानी कि हमारे चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है, मतलब यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु हमारा अवचेतन मन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच कभी भी चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी हमारा चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देते हैं, वह उसका विरोध नहीं करता, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं है, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वही व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसके साथ ही साथ आपके आस पड़ोस और अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन उस बात को सच मान लेगा और वही जानकारी आपके अवचेतन मन को भेज देगा। और आपका अवचेतन मन का काम है कि जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। और उस वक्त अगर आप कमजोर नहीं भी है तो आपका अवचेतन मन आपको कमजोर बना देता है। इसे और एक उदाहरण से ठीक से समझिए। जब हम छोटा हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे जब हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और समाज से हमें बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उसे सच मान बैठा है। इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। मित्रों, अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय और समाधान, इन सभी के बारे में बुद्ध के शिक्षा से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं, जिससे कि हम अपने मन को अपने अनुसार चला पाएंगे, हम अपने आप को भीतर से मजबूत कर पाएंगे। इसलिए इन कुछ बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ध्यान यानी मेडिटेशन। बुद्ध के अनुसार ध्यान मन को शांति और समाधान में मदद कर सकता है। ध्यान करने से मानसिक अशांति कम होती है और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता। बुद्धिमत्ता या सजगता की भावना से आप अपने वर्तमान क्षण को समझ सकते हैं, जो आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समझने के लिए मदद कर सकती है, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धा प्रति अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। राइट स्पीच यानी सम्यक बोलना। बुद्ध के अनुसार हमें समय पर सही तरीके से बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बदले में हमारे विचार और मन पर भी असर पड़ता है। आपके वचनों का सही रूप से उपयोग करने से आप बेहतर संबंध बना सकते हैं और दूसरों के साथ संवाद में सहायक हो सकते हैं। नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल यानी संयम। बुद्ध की शिक्षा में संयम का महत्व बताया गया है। आपको अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को संयमित करना चाहिए। संयम का अभ्यास करने से
आप अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को संयमित करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को और अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध की तरह हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति बने रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है और अनजाने में ये जानकारी हमारे भीतर चली गई हुई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें ये समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं है। वही सुनो जो आपके लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। बस आपको अपने भीतर सकारात्मकता को भरनी है। और एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है। जिस प्रकार एक रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, ठीक उसी प्रकार जब आप सकारात्मक चीजों में ध्यान देने लगेंगे, अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मकता को ही देखेंगे, तब आपका मन भी उसी दिशा में काम करेगा। और ऐसा करने के लिए आपको जागरूक होकर अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को देखना चाहिए। अपनी दिनचर्या में जब भी आपको समय मिले, जागरूक होकर अपने मन को देखे कि कैसे कैसे विचार आपके मन में चल रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके मन के भीतर नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उस वक्त आपके भीतर आपके मन में जो भी सकारात्मक विचार आएंगे, उस विचारों को पकड़कर आपको चलते रहना है। फिर आपका वही मन आपके जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाएगा। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।